और ये एग्जैक्ट जाटमऊ पुल से पहले है। इसका आर्किटेक्चर मतलब थोड़ा पुराने ज़माने का और बहुत अच्छा है, उसका लखनवी टच नहीं लग रहा, लखनवी टच है ये, अवधी टच है। तो इसको देखते हैं और जाटमऊ पुल पे मिलते हैं। और ये जाटमऊ पुल होने वाला स्टार्ट है, और ये जाटमऊ पुल होने वाला है स्टार्ट, होने वाला है पर हो नहीं रहा है। विजिबिलिटी कम है और ये जाटमऊ वडीला थोड़ा हॉरर सा लग रहा ना ये। अरे तो रेड लाइट क्यों आ रही, रेड तो है भी नहीं। देखिए वो है थोड़ा सा पुराना है और इस वजह से इसके अंदर थोड़ा सा वो जिन्नाती असर आते हैं। दिस इज द रीजन कि ये रेड कलर में। अरे यार ये रेड क्यों आ रहा है, देखिए रेड है भी नहीं। अब इसका ओरिजिनल कलर है। अगर किसी को कुछ दिखता है तो मुझे ज़रूर बताएं। इफ देयर इज एनी हॉरर एक्टिविटी सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज इट। और आप लोग ये देखिए इतने बड़े खाली जगह में ये कुछ तो आग जला के कोई तो कुछ तो कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है। अघोरी स्टाइल अघोरी और तांत्रिक हो सकते हैं, नॉर्मल है आस पास कुछ जाते हैं क्योंकि जो है मतलब इधर उधर पानी है और बीच में है ये रेत पे, मतलब समझ नहीं आ रहा कि कैमरे में तो बिल्कुल ही कैप्चर नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है इनको अपना काम करने देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं। तो बीवी जा सो चुकी हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं सई नदी के, आई थिंक क्रॉस किया हुआ है हम लोगों ने, और प्रधान स्वीट्स जहां पर हम लोगों ने लास्ट टाइम आप लोगों को व्लॉग में शो किया था ये एरिया, और वाइफ ही सो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और सो भी रही थी। और भाई यार इतना लंबा जाम लगा हुआ हाईवे पे, मतलब लिटरली इट वॉज द फर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैं रात में निकला, बट ठीक भी था बिकॉज अगर सुबह निकलता और इतना लंबा जाम मिलता तो मे बी अपने टाइम पे पहुंच ना पाता, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है और जाम की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और धूल भी आप देख सकते हैं मतलब हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है, पूरे रास्ते में प्रॉब्लम है और पूरे रास्ते में जाम ही जाम हर जगह दिख रहा है। बट ठीक है डेस्टिनेशन पे अपने भले टाइम पे ना पहुँचे बट सुबह पहुँची, बिकॉज पहुँचना बहुत ज़रूरी है, टाइम नहीं इशू होता, टाइम नहीं मायने रखता है, मैटर करता है पर पहुँच जाना ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर हम लोग पहुँचते हैं, आपकी ब्लॉगर दीदी भी सो रही हैं और सोने के बाद अब जब ये उठेंगी तो मे बी पॉसिबल हम लोग पहुँच जाए, मोस्ट प्रोबेबली पहुँच जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग जब पहुँच जाते हैं तो फिर हम उससे मिलते हैं फैजाबाद में, टिल देन स्टे ट्यून्ड। तो अब हम लोग लखनऊ पहुँच चुके हैं और करेंटली हम लोग हैं ट्रांसपोर्ट नगर में, और यहाँ से ही थोड़ी देर में राइट आई थिंक ले लेंगे, गोमती नगर होते हुए फैजाबाद रोड पे आ जाएंगे।
एंड आई थिंक उसके बाद ऑलमोस्ट 2 घंटा और लगेगा, 2 से 3 घंटा और लगेगा फैजाबाद पहुँचने में, और जाम इतना ज़्यादा लगा हुआ था, बट सल्यूट टू द स्किल्स ऑफ ड्राइवर, मतलब भाई क्या ड्राइविंग स्किल्स थी कि टुक द बस इनटू द अपोजिट लेन, और उसके बाद फिर जो उन्होंने ड्राइविंग की है यार, लाइक मज़ा आ गई भाई, मतलब बहुत अच्छा ड्राइवर था, स्किल्स को सल्यूट करूँगा। और चलिए तो फिर फैजाबाद चलते हैं, मिलते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या सीन है, शादी का माहौल, शादी का सीज़न, शादी का घर, भाई मज़ा तो आने वाली है बहुत ज़्यादा, तो चलिए चलते हैं।